मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं खेम कुमार शर्मा फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले मैं 5 वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, जो इंट्रोडक्शन और पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन पर हैं। आज हमारा टॉपिक होगा नाउन काउंटेबिलिटी। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है वो इसी पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं नाउन्स काउंटेबिलिटी। नाउन्स आर ऑफ टू काइंड्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी का मतलब होता है गिनने की दृष्टि से। अगर हम नाउन की परिभाषा देखें तो नाउन जो है वो हमने कहा कि नाउन इज अ नेम, और नाउन को हमने दो प्रकार से बांट करके पढ़ा था, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो कंक्रीट नाउन था उसे हमने पढ़ा था कि वो एक मटेरियल फॉर्म में होता है, वो एक ठोस रूप में या एक सामग्री विशेष में होगा जिसे हम गिन सकेंगे। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है काउंटेबिलिटी के अनुसार वो दो प्रकार का है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो है उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जनरली अ नाउन यूज्ड इन आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मैनी। जब भी हम अपने क्वेश्चन में हाउ मैनी का यूज़ करते हैं, हाउ मैनी मतलब इतने, जब भी हम हमारे क्वेश्चन में हाउ मैनी का यूज़ करते हैं तो उसके आंसर में जो हमें नाउन आता है, जो हमें नंबर मिलता है या जो हमें नाउन आता है वो काउंटेबल होता है। जैसे मैंने कहा हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन माई क्लास, तो आंसर हो सकता है 50 स्टूडेंट्स, 70 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स। तो जो 30 स्टूडेंट्स हमने कहा तो वो काउंटेबल है, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे आप कहो कि आई हैव टू पेन्स, मेरे पास दो पेन है, तो टू पेन्स जो है वो आपका नाउन है। पेन्स जो है वो नाउन है और टू जो है वो नंबर रहेगा इसमें। तो पेन्स जो हमने यूज किया प्लूरल वो काउंटेबल नाउन है, ठीक है। जनरली अ नाउन यूज्ड इन आंसर टू मेक द क्वेश्चन हाउ मेनी इज अ काउंटेबल नाउन। मतलब वही है जो मैंने अभी आपको समझाया, इसमें अ बुक, टू पेन्स, 6 फाइल्स, 30 डेज, मैंने आपको एग्जांपल दिया है। जैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, आपके पास कितनी किताबें हैं, तो उसने कहा कि आई हैव ओनली अ बुक, मेरे पास सिर्फ एक ही किताब है, तो उसमें अ बुक जो है वो आपका काउंटेबल नाउन है। हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, तो आंसर हो सकता है टू पेन्स, आई हैव टू पेन्स। हाउ मेनी फाइल्स डू यू हैव, तो 6 फाइल्स। हाउ मेनी डेज आर इन अ मंथ, तो हम कह सकते हैं आंसर में 30 डेज। तो ये सभी जो नाउन्स हैं, ये सभी नाउन्स काउंटेबल नाउन्स हैं जिन्हें हम सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम टॉपिक रखेंगे सिंगुलर और प्लूरल नाउन। तो इसके हम सेकेंड में बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन आप ऐसे समझ लीजिए कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट करने का मतलब है गिन नहीं सकते, ठीक है। तो उन्हें या तो मेजरमेंट में लिया जा सकता है, ठीक है। नाउन्स दैट कांट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल। ऐसे नाउन्स जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हाउ मच का यूज किया जाता है, हाउ मच मतलब कितना, जब हम हाउ मच का यूज करते हैं तो हाउ मच के रेस्पॉन्स में जो मिलने वाला उत्तर है, जो मिलने वाला आंसर है वो अनकाउंटेबल है। जैसे हाउ मच शुगर डू यू वांट, तो उसने कहा कि आई वांट 1 kg शुगर, आई वांट 5 kg शुगर। शुगर्स नहीं होगा कभी, यहाँ ध्यान रखना, 5 kg, 1 kg, 2 kg,
10 kg ये बढ़ेगा, ठीक है, शुगर नहीं होगा, शुगर्स नहीं कर सकते उसको, शुगर से शुगर्स नहीं होगा, ठीक है। सुबह दूध वाला आ गया, उसने पूछा हाउ मच मिल्क डू यू वांट, तो हमने कहा आई वांट 2 लीटर मिल्क। तो इसमें मिल्क, शुगर, वाटर, इंक, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। तो ऐसे नाउन जिन्हें काउंट तो नहीं किया जा सकता है लेकिन मेजर किया जा सकता है, उनकी क्वांटिटी को मापा जा सकता है, जैसे मिल्क है, लिक्विड है, वाटर है, इनको हम ml में, लीटर में माप लेते हैं। अगर कोई ठोस है तो उसको हम kg में माप सकते हैं, जैसे कपड़ा है आपका, डिस्टेंस है उसको हम मीटर में, सेंटीमीटर में और किलोमीटर में माप सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि काउंटेबल और जो अनकाउंटेबल नाउन है उनको अच्छी तरह से आपको समझना है, उसमें डिफरेंस क्या है उसको अच्छी तरह से आपको क्लियर करना है। यस, अब हम बात कर रहे हैं नाउन नंबर की। नाउन जो नंबर है वो दो प्रकार का है, नंबर इज ऑफ टू काइंड्स, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर सिंगल से बना है, सिंगल, सिंगल समझते हैं आप, सिंगल का मतलब वन, सिंगल से सिंगुलर। अब ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम सिंगुलर नाउन यूज करते हैं तो उस सिंगुलर नाउन से पहले ही आपका यूज ऑफ आर्टिकल्स का यूज होता है, जिसमें ए और एन का यूज हम करते हैं, तो ए और एन के बाद ही हम सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे, वो कंडीशन बेस्ड होता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, आर्टिकल्स में आपको विशेष रूप से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा अच्छी तरह से, लेकिन अभी अभी एक बार हम उसको छोड़ रहे हैं। सेकेंड है आपका प्लूरल, प्लूरल मोर देन वन, मोर देन वन एक से अधिक। देखो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हो सकती है जिसमें नाउन को एक से अधिक, दो से अधिक, एक से अधिक या दो से अधिक माना जा सकता है, जैसे संस्कृत में ले लीजिए आप, उसमें या हिंदी में ले लीजिए एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, हिंदी में भी एकवचन और बहुवचन, संस्कृत में एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, तो उसमें तीन प्रकार के हो गए। इंग्लिश में सिर्फ दो ही प्रकार के नाम नंबर हैं, एक सिंगुलर है जिसमें हम एक को काउंट करते हैं सिंगल को, और प्लूरल जो मोर देन वन को बताता है एक से अधिक को। अब कई बार आपके मन में आ रहा होगा सर कि एक के बाद दो लेने के बजाय अगर हम एक के बाद में सिर्फ उसका आधा ही ले लें तो क्या होगा, तो भी प्लूरल ही काउंट होगा, सिंगुलर नहीं बनेगा। मैंने यहाँ विशेष रूप से लिखा है, आप देख सकते हैं, अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी बच्चे की उम्र 1.5 साल है तो 1.5 years नॉट ईयर, क्योंकि प्लूरल हो गया है, 1.5 years। उसी तरह से अगर हम 1.5 किलो चीनी मांग रहे हैं किसी से तो 1.5 kilograms प्लूरल फॉर्म में आएगा, 1.5 feet, फुट नहीं कहा मैंने, फीट प्लूरल है, 1.5 hours ये भी प्लूरल है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है, अगर एक से जैसे ही अधिक हुआ तो वो प्लूरल में काउंट होगा, सिंगुलर में काउंट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल्स को बनाया जाता है। अब हम लेते हैं कि कैसे हम प्लूरल फॉर्म्स बना सकते हैं। प्लूरल्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस, es or ies to the singular form. Singular form में हम s, es या ies add करके भी singular से plural बना सकते हैं। They can also be formed by other means. इन्हें और अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम कैसे इन्हें differentiate करते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है
कि जो सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होते हैं रेगुलर और एक होते हैं इरेगुलर। रेगुलर का यहाँ ये मतलब समझ लीजिए कि इसमें चेंज नहीं होता है, इसमें हम एस ई एस या आई ई एस ऐड करके सिंगुलर नाउन में एस ई एस या आई ई एस ऐड करके प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। लेकिन इरेगुलर फॉर्म में जो आपका नाउन है सिंगुलर उसमें वोवल का चेंज करके या कुछ अदर चेंज करके हम उसी से अपना प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, उसमें एस ई एस या आई ई एस ऐड नहीं होता है। बुक, बुक में हमने ऐड किया एस, बुक्स रेगुलर फॉर्म है। दो बेंच, ई एस ऐड कर लिया, बेंचेस। नाइफ, नाइव्स वी ई एस ऐड किया। बेबी, आई एस ऐड किया, बेबीज वाई ऐड किया इसमें। काउ, काउज। तो इसमें आप देख लीजिए एस ई एस वी ई एस आई एस ऐड करके हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाया है। जरा हम इरेगुलर फॉर्म्स को भी देखते हैं। इरेगुलर फॉर्म्स में हमने मैन को मैन में चेंज किया है, इसमें सिर्फ हमने वोकल को चेंज किया है। टूथ, पिप, माउस, माइस, चाइल्ड, चिल्ड्रन, गूज, गीज। तो ये आपको समझना है कि ये दो फॉर्म में है, कैसे इनको समझना है, रेगुलर को कैसे इरेगुलर को। तो अच्छी तरह से इसको फिर से समझ लीजिए एक बार। जिन सिंगुलर नाउन्स में एस एस डी एस आई एस ऐड होगा और उनसे जब प्लूरल बनाया जाएगा तो वो रेगुलर फॉर्म कहलाती हैं। जिन सिंगुलर नाउन्स में वोवल का चेंज करके, स्वर का चेंज करके अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो वो इरेगुलर फॉर्म्स कहलाती हैं।